जैसे हाँ वैसे में हमने सारी मुर्गी के बच्चों को भाई बाहर छोड़ दिया। और देखिए बस एक से दो चूजे हैं दोस्तों, जो कि हमारे फाउल फॉक्स से दोस्तों इन्फेक्टेड। दोस्तों एक चूजा ये है जो आपको बीच में दिख रहा है दोस्तों, ये है और दोस्तों एक ये है, और दोस्तों एक दो चूजे इस टाइप में, और ये बार बार ये चूजे जैसे अंदर आते हैं वैसे इनको बाहर भगाता है। तो दोस्तों मेन आज खुशखबरी ये है कि भाई मैं जैसे आया वैसे मैंने देखा कि यहाँ पर है दोस्तों ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, और यहाँ पर ऊपर दोस्तों हमारे कबूतर बैठा था। तो मैंने देखा कि भाई जो हमारे कबूतर है, मैंने सोचा कभी उन्होंने कुछ अंडे तो नहीं दे दिए। तो दोस्तों देखिए भाई आप पता नहीं है यहाँ पर घोंसला कब से बना रहे हैं, और दोस्तों मैं इनको यहाँ पर रोज देखता था। तो अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया, तो अब मैं इनको भाई छेड़ूंगा नहीं। और दोस्तों देखिए इन्होंने यहाँ पर अंडा भी दे चुके हैं ये घोंसला बनाने के बाद। मतलब दोस्तों हमारे जो भी कबूतर जंगली होते हैं दोस्तों वो वापस आ गए हैं, और इन्होंने भाई यहाँ पर अंडा भी दे दिया। देखिए भाई हमारे कबूतर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अब दोस्तों इनके लिए एक सेटिंग ये कर देंगे कि यहाँ पर भाई इनको मुर्गी या कुछ भी परेशान नहीं करें। मतलब कि दोस्तों हमारे अगर कड़कनाथ की मुर्गी वहाँ पर चल गई, और दोस्तों इनका अगर बच्चा निकल गया, तो बच्चा निकलने के बाद भी दोस्तों मुर्गी इन्हें खा जाएगी बच्चे को। तो दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे भाई हमारे मुर्गी का जो कबूतर का बच्चा है अच्छी तरीके से भाई बड़ा हो जाए और पल जाए। तो दोस्तों हमारे भाई जो कबूतर थे वापस आ चुके हैं, और इन्होंने यहाँ पे घोंसला बना लिया। तो मतलब दोस्तों एक सेटिंग ये हो जाएगी इनकी कि अभी खुद ही उड़ के जाएंगे और खुद ही अपने अंडों को इनक्यूबेट करेंगे। इनको सिर्फ दाना पानी रखने की देर रहेगी, और दोस्तों खुद ही घूम फिर के आएंगे और वापस अपने अंडे को इनक्यूबेट करेंगे, और भाई अंडे बच्चे निकालेंगे और उसके अंदर से चूजे निकालेंगे। और दोस्तों देखिए हमारी जो कड़कनाथ की मुर्गी है दोस्तों, वो अभी मुर्गी यहाँ पर थी और पता नहीं यहाँ यहाँ से कहाँ चली गई। और दोस्तों हमारे चूजे हैं ये भी अभी धीरे धीरे अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे हैं, और देखिए वो वहाँ पर वो मुर्गी उस वाले चूजे से भिड़ रही है। और दोस्तों मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि हमारे जो कड़कनाथ की मुर्गी दोस्तों, ये हमारे जो व्हाइट कलर का चूजा है ना, ये वाला चूजा इसको मार रहे थे। तो दोस्तों ये चूजा है उस मुर्गी से झगड़े कर रहा था दोस्तों, उस मुर्गी को मारा था। मतलब दोस्तों ये वाला चूजा डरा, जरा सा भी डरा नहीं, और उसको वहाँ पर मारा था। मतलब दोस्तों कितनी बड़ी बात हो गई यार कि ये जरा सा अपना ये पिद्दी सा दोस्तों चूजा उस वाली मुर्गी को मारने की कोशिश कर रहा था। ओए चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहा है? नहीं इसके अंदर मुर्गी नहीं है। मैं कह रहा तेको कोई सा चूजा चाहिए क्या? ये मुर्गी का बच्चा तेको तेरे घर ले जाना, जल्दी बता। अरे यार रख ले यार, एक चूजा तो रख। तो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर गाय है और तुम्हारे यहाँ पर गाय नहीं है। ठीक है अब हमारे यहाँ पे नहीं, लेकिन हम भी गाय लेके आ जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी रोटी खिलाते हैं, और अभी ये हमारे चूजों को खिलाते हैं, और अब चूजों को इसकी ये रोटी खिलाने के बाद अंदर कर देंगे। तो जैसे मैं रोटी रखूँ ऐसे भाई सारे चूजे इसके बाद टूट पड़ेंगे। तो देखिए सारे चूजे किस तरीके से रोटी खा रहा है। तेको भी खानी है क्या रोटी? क्यों कोई नहीं फेंक रही है, तो यहाँ यहाँ पर बैठ जा, यहाँ बैठ जा। देखो एक हाथ में पकड़े दे दूँ, एक बच्चा हाथ में दे दूँ। क्यों यार भूखा वाला बुखार? तो भाई ये जो फाउल पॉक्स वाला चूजा है उसको क्या कह रहा है, बुखार वाला चूजा? वो बुखार नहीं आ रही, उसको बीमारी है थोड़ी सी, उसको पिंपल्स हो गए। क्या हो गए? कौन सा है बुखार वाला मेरे को बता, ऐसे बता। बुखार वाला कौन सा? पानी में दो गैस बोला, बुखार वाला कौन सा है मेरे को बता। तो देखिए भाई बिल्कुल प्योर वाइट और प्योर ब्लैक, तो दोनों में दोस्तों आपको कौन सी अच्छी लगी? कड़कनाथ की और दोस्तों प्योर देसी। कड़कनाथ की दोस्तों प्योर ब्लैक में मुर्गी, और प्योर वाइट में। और दोस्तों हमारे देखिए यूनिक चूजे बच्चे, देखिए से दोनों भाई घूम फिर रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक यूनिक चूजा है वो लंगड़ा हो चुका है, और उसके पता नहीं यार पैर में क्या मिस्टेक है। तो अभी इसको भी भाई हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों आपको हमारे कबूतर का घोंसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बोल दो, बाय बोलो बाय।